बेहद स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सीधे रुख करेंगे गुजरात की तरफ। आप सब जानते हैं गुजरात में राजनीतिक माहौल किस तरह से गर्माता जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। जहां एक तरफ मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का था, वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की गुजरात चुनाव में एंट्री के बाद यहां की राजनीति दिलचस्प हो गई है। पंजाब चुनावी नतीजों के बाद कोई भी राजनीतिक दल आपको हल्के में लेने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की झाड़ू पंजाब में चली है, भाजपा और कांग्रेस जैसे पुराने दल भी परस्त हो गए हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी गुजरात में कोई कमाल ना कर दे, उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर कांग्रेस और भाजपा दोनों की नजरें टिकी हैं। भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल पहले ही गुजरात का दौरा कर चुके हैं। फिलहाल जो स्थिति है वो कांग्रेस के भीतर ठीक नहीं है, क्योंकि हार्दिक पटेल के बागी सुर एक बार फिर से लगते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आपको बता दें, हार्दिक पटेल एक बड़ा नाम है गुजरात की राजनीति में। हार्दिक पटेल का अपना अलग ही वोट बैंक है। हार्दिक पटेल की विश्वसनीयता और पकड़ जनता के बीच कमाल की है, इसलिए कांग्रेस को गुजरात में हार्दिक पटेल की काफी जरूरत है। लेकिन हार्दिक पटेल का ये आरोप कि पार्टी हाईकमान फिलहाल कोई फैसले लेता ही नहीं है, हार्दिक पटेल का ये आरोप कि कांग्रेस में फैसले लेने की क्षमता किसी में है ही नहीं, और इसके साथ ही आज जो ताजी बात हार्दिक पटेल ने कही है, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं कांग्रेस छोड़ दूं। कांग्रेस छोड़कर भगवा रंग अपनाने के संकेत हार्दिक पटेल पहले ही दे चुके हैं, लेकिन आज हम आपको उन 5 बड़ी वजहों के बारे में बताएंगे जिनके चलते हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ सकते हैं। हार्दिक पटेल के लिए गुजरात में राजनीतिक समीकरण बदलना अब कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो पहले भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने के संकेत दे चुके हैं। आपको बता दें, हार्दिक पटेल ने सोनिया गांधी तक अपने दिल की बात पहुंचाने की कई बार कोशिश की। अपनी शिकायतों को पार्टी हाईकमान तक पहुंचाने की उन्होंने काफी बार कोशिश की। राहुल गांधी हार्दिक पटेल के काफी ज्यादा करीबी माने जाते रहे हैं, और राहुल गांधी की तर्ज पर ही हार्दिक पटेल जो हैं कांग्रेस में शामिल हुए थे। लेकिन आज हार्दिक पटेल के जो शिकायतें हैं वो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से हैं। हार्दिक पटेल ये तक कह चुके हैं कि गुजरात में कांग्रेस से ज्यादा भाजपा मजबूत है। तो आखिर हार्दिक पटेल अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत करने पर मजबूर क्यों हुए हैं? आखिर क्यों हार्दिक पटेल अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा संभालने की जिद पर अटे हुए हैं? एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप गुजरात चुनाव का पूरा समीकरण समझ जाइए। क्या है हार्दिक पटेल की नाराजगी की वजह? क्या कदम पार्टी उन्हें मनाने के लिए उठा रही है? क्या कहता है हार्दिक पटेल का राजनीतिक मिजाज, सुनिए जरा। गुजरात विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीति के नए नए रंग भी दिखना शुरू हो गए हैं। सबसे ज्यादा चिंता गुजरात कांग्रेस को है। यहां पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के सुर धीरे धीरे बदल रहे हैं। हार्दिक पहले से ही कह चुके हैं कि उनको गुजरात कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से शिकायत है। अब उन्होंने हाईकमान को सीधे अल्टीमेटम दे दिया है। हार्दिक का कहना है वो फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन चीजें और ना बिगड़े इसके लिए हाईकमान को काफी कुछ करना होगा, ताकि मैं कांग्रेस में अपने कार्यकाल को आगे बढ़ा सकूं। हार्दिक पटेल के इस बयान को सीधे कांग्रेस नेताओं के प्रति एक बड़ी चेतावनी माने जा रही है। अब इन सबके बीच हार्दिक पटेल एक बार फिर से ट्वीट करते हैं, और इस ट्वीट के जरिए कहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं कांग्रेस छोड़ दूं, ये लोग मेरा मनोबल तोड़ना चाहते हैं। हार्दिक पटेल के सुर काफी समय से बदल रहे हैं। वो आरोप लगा चुके हैं कि गुजरात कांग्रेस के स्थानीय नेता ना तो खुद कुछ काम करते हैं और ना ही किसी और को काम करने देते हैं। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की खबरों को खारिज किया, और साथ ही कहा उनकी नाराजगी हाईकमान से नहीं है, वो स्थानीय नेतृत्व से नाराज हैं। हार्दिक पिछले कुछ दिनों से भाजपा की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, खुद को राम भक्त बता रहे हैं,
राम मंदिर निर्माण की तारीफ कर रहे हैं और गुजरात में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को मजबूत बता रहे हैं। सोमवार को गुजरात के कांग्रेस नेता ने कहा, चुनाव आ रहे हैं और ऐसे मौके पर ईमानदार व मजबूत लोगों के साथ काम करना चाहिए, उन्हें पद देने चाहिए। आपको बता दें, हार्दिक पटेल के तमाम बयानों से कांग्रेसी खेमे में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेसी खेमे में हार्दिक पटेल के बयानबाजियों से लगातार कई तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पटेल की रणनीति बदल सकती है। आज हम आपको यहां पे बताएंगे कि किस तरह हार्दिक पटेल कांग्रेस से खफा हैं। हार्दिक का आरोप है कि कांग्रेस में शामिल होने के 3 साल बीतने के बावजूद गुजरात कांग्रेस उन्हें फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं करती। हार्दिक का आरोप है कि मार्च में प्रदेश कांग्रेस ने 75 महासचिव और 25 उपाध्यक्ष नियुक्त किए, लेकिन उनसे किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की। हार्दिक ने पिछले साल निकाय चुनावों के टिकट वितरण में भी अनदेखी का आरोप लगाया। हार्दिक पटेल का आरोप नंबर 2 ये है कि पार्टी हाईकमान पर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। हार्दिक का ये दावा है कि उन्होंने कई बार पार्टी हाईकमान के सामने अपनी बात रखी है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन उन्हें हर बार केवल आश्वासन मिला है, उनके साथ कुछ अच्छा किया जाएगा, अच्छी जगह मिलेगी, सिर्फ यही कहा गया है। हार्दिक का ये भी कहना है कि पिछले 1 साल में अगर कुछ बदला तो गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष, बाकी कुछ नहीं। हार्दिक पटेल का तीसरा आरोप ये है कि गुजरात कांग्रेस में उन्हें किसी तरह की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। सीधे तौर पर हार्दिक पटेल यहां बार बार कह रहे हैं कि मुझे राहुल गांधी कांग्रेस में लेकर आए थे। 2019 में शामिल होने के 1 साल के अंदर ही गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बना दिया गया। एक कांग्रेस नेता का कहना था कि इससे पार्टी में लंबे समय से मौजूद नेताओं में बेचैनी हो गई, जो स्वाभाविक है। हालांकि उनका ये भी मानना था कि आंदोलन से उपजे हार्दिक और जिग्नेश मेवानी जैसे नेताओं के साथ अलग बर्ताव जरूरी है। पार्टी ने ऐसा किया भी। 2019 के लोकसभा चुनाव में हार्दिक अहमद पटेल के अलावा गुजरात के इकलौते कांग्रेस नेता थे जिन्हें स्टार प्रचारक का दर्जा मिला। 2022 के पंजाब चुनाव में भी हार्दिक पटेल को स्टार प्रचारक का दर्जा मिला, लेकिन हार्दिक को लगातार यही लगता है कि कांग्रेस उन्हें दरकिनार कर रही है। हार्दिक दावा करते हैं कि 2021 के स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी कैंपेन की रूपरेखा बनाने से लेकर उसे अमल करवाने तक का जिम्मा उन्होंने खुद उठाया। इस रैलियों में कांग्रेस विधायक ललित कगथारा जैसे पाटीदार नेता भी मौजूद रहे। हार्दिक ने इस दौरान न केवल पाटीदार बहुल इलाकों में बल्कि अहमदाबाद जैसे क्षेत्रों में भी प्रचार किया। उनका दावा है कि इस प्रचार का खर्च पार्टी ने नहीं, उन्होंने खुद उठाया। हार्दिक के खिलाफ 28 केस दर्ज हैं, जिसमें से 2 देशद्रोह के हैं। फरवरी में हार्दिक पटेल ने ऐलान किया था कि अगर 2015 के आरक्षण आंदोलन के दौरान पाटीदारों पर दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए तो 23 मार्च से दोबारा आंदोलन करेंगे। इसके बाद गुजरात कांग्रेस ने हार्दिक के खिलाफ 10 मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा कर दी। हार्दिक इस बात से नाखुश है कि बीजेपी ने तो कोई अल्टीमेटम पर ध्यान दिया, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें तवज्जो तक नहीं दी। हार्दिक पटेल की नाराजगी लगातार कांग्रेस पार्टी से खुलकर सामने आ रही है और इस नाराजगी के बीच में हार्दिक पटेल पूरी तरह से शांत नजर नहीं आ रहे, बल्कि आक्रोश से भर चुके हैं। हार्दिक की ये बेचैनी और ये चेतावनी कांग्रेस के लिए काफी महंगी पड़ सकती है। तो सुना आपने किस तरह से हार्दिक पटेल की 5 शिकायतें हैं और इन 5 शिकायतों पर अगर कांग्रेस ने जल्द से जल्द काम नहीं किया तो कांग्रेस को गुजरात में भी बड़ा झटका लग जाएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।